नमस्कार दोस्तों, कैरियर कैरेंसीज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी एंड हरियाणा पुलिस की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर देखें। भाग नंबर 5 में हम आपको दिखाते हैं, इसमें इसे एक से लेकर 150 तक के क्वेश्चन हमारे इससे पहले वाले भाग में कम्प्लीट हो चुके हैं। 151 क्वेश्चन दिखा रखा है, राव तुलाराम कहाँ का शासक था, इसके सही आंसर दिखा रखे हैं, ए भाग में यमुनानगर, बी में पंजाब, सी में झज्जर, डी में रेवाड़ी। इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलो आज कुछ नया देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले आप पहुंच जाए मैसेजेस का, ठीक है। हम आपको पूरे क्वेश्चन बताएंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का किस राज्य के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर पर विवाद है पंजाब पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें शिव शंभु चिट्ठा किसने लिखा था, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा रखा है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, झज्जर में है। इसका सही आंसर है, हरियाणा में किस नगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, यमुनानगर से, ठीक है। इसका सही आंसर दिखा रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, सन 1970 में हिसार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, इसका सही आंसर है राव वीरेंद्र सिंह थे, और पहली महिला सन्नो देवी थी। भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है, इसका सही आंसर है बेरी झज्जर में। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहां पर स्थित है, इसका सही आंसर है पानीपत में। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब बंद करवाई थी, श्री बंसीलाल जी ने बंद करवाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, सर छोटू राम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमचंद। हरियाणा की हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका सही आंसर है कपिल देव, यानी क्रिकेटर जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचित्रजी किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है, हमारा इसका सही आंसर है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समा पर्यटन स्थल किस जिले में है, गुड़गांव में। चोर गुम्बद किस जिले में है, नारनौल में। माधोगढ़ का किला किस जिले में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, इसका सही आंसर है वल्लभगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, हर्षवर्धन की। फाल्गुन का मेला कहाँ पर लगता है, कैथल में। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है, इसका सही आंसर है अम्बाला में। शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है, थानेसर में। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं, 2649। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1976 ईस्वी में हुई थी इसकी। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी, अब्दुल्लापुर मंडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसका सही आंसर है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है, हमारा इसका सही आंसर है पानीपत में। हरियाणा के पिंजौर में किस फल का मेला लगता है, आम का मेला लगता है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारा तीर्थ स्थल किस जिले में है, और इसका सही आंसर है जींद में। कैथल का प्राचीन नाम क्या था, कपिल स्थल। जॉर्ज थॉमस कहाँ की निवासी थी, आयरलैंड के। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है, 82% भाग पर खेती की जा सकती है। बासमती चावल की निर्यात में हरियाणा का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है यानी पहला स्थान है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में स्थित है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, पिंजौर यानी पंचकुला में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, साल का वृक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी, कैथल में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। भारत में हरियाणा राज्य किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। हरियाणा में छोटी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, कालका से शिमला तक जाती है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, अधिनियम 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। हरियाणा की जलवायु कैसी है, अर्ध उष्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू की गई थी, गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में सन 2010 में की गई थी।
हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़खल झील है। हरियाणा में किसे साइबर सिटी कम नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम को। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सोनीपत में है। नादिरशाही हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? सन 1739 में ईरान का शासक था। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।